अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक फ्रॉम जट गैंग। तो दोस्तों, आज की व्लॉग शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज जो मेरे पीछे मक्की देख रहे हैं ना, आज हमने इसे इसकी कटाई करनी है। और ये दातरी है जो हमने जिसकी मदद से कटाई करनी है, लेबर हमें नहीं मिली। तो आज इतवार का दिन है, तो वो हमारा भाई साहब है दोनों, वो मेरे साथ जो है ना इसे काटेंगे। कल से हम अकेले काटेंगे। रात को जो है ना हमने यहाँ से दो रक्शे काट लिए थे, तो बाकी ये जो आप बचा हुआ है ये खबड़ बांधने के लिए, ये कुछ जो टांडे हैं ना टूट के गिर जाते हैं, तो ये अभी इकट्ठे करूँगा। मक्की का कद देखो आप, तकरीबन जो है ना 8 फुट से ऊपर जो है ना इसका कद हो गया है, तो अभी फुल वज़न में है ये। अभी मैं आपको पास खड़े होकर बताता हूँ। ये मेरे सर से इतनी ऊपर है और मेरा कद जो है ना 5 फुट और 6 इंच के अराउंड है, 5.5 फुट लगा लें आप। और ये जो है ना तकरीबन 8 फुट से ऊपर इसका कद हो गया है। अगर ये फुल गर्मी की फसल होती ना, ये 10 फुट तक जाती है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि इतना कद हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा 8 फुट अराउंड हो गया था, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है। ये देखे पीछे फोग भी हो गई है, इस वजह से जो है ना इसका कद इतना ही रहना है। वज़न बढ़ सकता था, लेकिन हमने गंदम काश्त करनी है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी जो है ना इसे काट के, ये बत्तर आप देख रहे हैं अभी, इसे काश्त करेंगे, इसमें गंदम की बिजाई कर देंगे और सामने वाले में भी। तो जल्दी जल्दी इसे काट के ना खाली करना है इस वजह से। तो ये दूसरा दिन है जी, आज दो रक्शे और काटेंगे, तो आज हमें लेबर जो है ना वो भी मिल गई है। तो ये तकरीबन दो होने वाले हैं रक्शे, तो ये दो रक्शे काट के बांध के, तो आज ये लेबर जो मिली है इसकी मदद से ला देंगे। अगर लेबर मिल जाए फिर कोई मसला नहीं होता, फिर पास बैठ के बस काम करवाना होता है। अगर ना मिले करना भी पड़ता है, तो कोई इशू नहीं है। जब मिल जाती है लेबर कर ले करवा लेते हैं, वरना खुद कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो अभी लेबर जो है ना, रात काफ़ी होगी और अभी रक्षा जो है ना फाइनल हो गए हैं। अभी इसके ऊपर रस्सा बांध के ना इसे रात को खड़ा कर देंगे, सुबह मंडी लेकर जाएंगे। और रेट क्या लगता है देखो क्या बनता है। अभी फुल त्रेल हो पड़ गई इनके ऊपर, तो अभी इन्हें लेके जाते हैं। ये जो रक्षा ड्राइवर है,